कितना माशाल्लाह खूबसूरत है, कितना नायाब है, कितनी प्यारी प्यारी यहाँ पर नजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक फिर से भाई की छत के मौजूद हैं, जहां पर हमने इनकी एक वीडियो बनाई थी जो कि एक शॉप पर थी, और यहां पर इनके पास बेशुमार किस्म के खूबसूरत खूबसूरत पिजन्स पड़े हुए हैं, कबूतर पड़े हुए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने एक आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देता हूँ पहले इनके सेटअप का, उसके बाद हम आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत काफ़ी नायाब नस्लें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। पहले जैसे हम फराज भाई की वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा नहीं थी मेरी समझ में, लेकिन यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत ये नस्लें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो हम भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक एक हमें करके दिखाते जाएँ। अच्छा, शुरुआत से लेकर आखिर तक हमें एक एक करके वो दिखाते जाएँ, वो थोड़ा ओपन करके और नस्ल के हवाले से हमें बताते जाएँ। ये तो देखो रेसर जोड़ा, ये हम भराई में काम में लेते हैं इनको, इनके फैंसियों के अंडे हम इनके नीचे रखते हैं। ये रेसर जोड़ा है, रेसर जोड़ा है ये, ठीक है। इसको आप क्या करते हैं? इसके भराई के काम में लेते हैं, उनके फैंसियों के अंडे इसके नीचे रखते हैं। अच्छा, फैंसियों के जो अंडे हैं काम में लेते हैं, इसको इनके फेंक देते हैं, उनके अंडे इसमें रख देते हैं। इसकी क्या वजह है? उसमें जल्दी ब्रीड आवे, जल्दी बच्चे निकले, ताकि ये इससे ब्रीड जल्दी निकल जल्दी निकल। गर्म वगैरह होने की वजह से क्या मतलब, वो अपन फैंसी के नीचे रखेंगे तो दो महीने तक रुक जाता है, 15 दिन में फिर दोबारा अंडे देता है। ठीक है, ठीक है। उसके नीचे रख दिया तो दो महीने के लिए बैंड हो जाएगा जोड़ा। ये इसकी क्या कीमत होगी अंदाजन? ये तो हजार रुपए के जोड़े हैं, ये रेसर की तो मतलब ऐसी कोई फैंसी नहीं है, ये लोकल है, ये ठीक है, इनकी कोई कीमत नहीं होती, तो भराई के काम में लेते हैं हम, ठीक है। ये किंग मोडीना, ठीक है। बच्चे भी है इसके, किंग मोडीना हैं और इनके बच्चे भी हैं। यहाँ पर आप देखें कितने माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं। ये किंग मोडीना कबूतर है। क्या कीमत है आपने इसकी क्या बताई? 10,000 रुपये। 10,000, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे खूबसूरत बच्चे किए हुए हैं, ठीक है। आगे आगे हमें चले दिखाते जाएं। इनमें ये सब रेसर है, ये सब रेसर है, ठीक है। ये इंग्लिश पाउडर कहलाता है। इंग्लिश पाउडर कहलाता है, इंग्लिश पाउडर। अच्छा, ये भी वो गुब्बारे की तरह है, ये भी गुब्बारे की नस्ल है, ये लंबी टांगे होती है इसकी बुगले की तरह। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पर ये देखें इंग्लिश पाउडर है, और इसकी जो है भाई बोल रहे हैं कि टांगे वगैरह जैसे होते हैं बड़ी होती है, और गुब्बारा, ये कितनी अच्छी बात है, कितनी खुदा की कुदरत देखी है, गुब्बारे की तरह ये इनका काफी मरतबा गुब्बारा बड़ा हो जाता है, ये फिर छोटा इसे करते हैं, हवा भरते हैं इसमें। क्या कीमत है इसकी? 25,000। अच्छा, ये 25,000 का एक पेयर है। ये यहाँ पर नॉर्मल मुर्गियाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है। आगे ये काला मैग्पाई का जोड़ा है, काला मैग्पाई का जोड़ा है गुब्बारे का। अच्छा, काला मैग्पाई, इसका कलर अलग है लेकिन है गुब्बारे वाली नस्ल है, लेकिन ये खूबसूरत तो काफी है जी। ये क्या कीमत है इसकी? इसकी कीमत 15,000 रुपये। अच्छा, ये 15,000 का है, ठीक है। आगे आगे ये लगा आ गया, इंग्लिश लगा, ये इंग्लिश लक्का, और मेरे ख्याल में इसका ये भी मोर की तरह है, ये भी मोर की तरह, ठीक है। तो दोस्तों ये देखें, ये है इंग्लिश लक्का, इसको थोड़ा लगाएं, हाथ लगाएं जाके, इधर आए। इसके बच्चे किए हुए क्या इसने? अच्छा, बच्चे दिए। तो दोस्तों ये देखें, इन्होंने बच्चे किए हुए, लेकिन उनकी अम्मी उनके ऊपर ही बैठी हुई है, तो हम दिखा नहीं सकते। ये देखें, ये छोटा बिल्कुल बच्चा, कितने दिनों का ये? तकरीबन 4 दिन का। 4 दिन हो गए। 4 दिन का, ठीक है। काफी, आंखें नहीं खुली मेरे ख्याल में, ठीक है। नीचे देखो, ये ब्लैक शोल्डर कहलाता है, ये भी लगा के नस्ल है, दो बच्चों के साथ है। ये क्या कहलाता है? ब्लैक शोल्डर। ब्लैक शोल्डर दोस्तों, ये देखें ब्लैक शोल्डर, और इसने भी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे किए हुए, दो बच्चे दिए इसने भी, ठीक है। ये भी फैंसी की सारी ये शेप में आती है, फैंसी उसमें। वैसे ये उड़ा मतलब कि उड़ते वगैरह भी ज्यादा है? उड़ते नहीं है। अच्छा, उड़ते नहीं है, बस ये एक खूबसूरती के तौर पर, ठीक है। और आगे आए, यहाँ पे आए, ये नकाबपोश है, नकापोश, ये नकापोश है, ठीक है। नकापोश जो कि दोस्तों यहाँ पर ये देखें, नकापोश है, जिनकी जो कंधा है वो सारा बालों से भरा हुआ है। कितनी खूबसूरती खुदा की कुदरत देखें आप। ये टायर कहलाता है, ये टायर कहलाता है, हाँ, ये मुखी है। क्या कहते हैं, क्या वजह इसको? टायर काले रंग का है, इसको टाइगर कहते हैं। अच्छा, इसको टाइगर कहते हैं, ये छिपके छिपके है ना, इसको टाइगर कहते हैं। ये मुखी है, ये मुखी, मुखी दोस्तों ये देखें, ये मुखी, ये भी कितना खूबसूरत है। क्या इसकी क्या कीमत है? ये 5,000 रुपये का जोड़ा है। अच्छा, एक जोड़ा 5,000 का है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, येलो लक्का है, ये येलो लक्का, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखें, इनकी जो पूछ है वो जिस तरह एक मोर की तरह लग रही है, येलो लक्का। मैं काफी वीडियो बड़ी बन जाएगी, इसलिए काफी दोस्त रिक्वेस्ट करते हैं कि एक एक बिल्कुल क्लोज करके दिखाओ, तो इतना नहीं होता था, लेकिन मैं बाहर से आपको ये दिखा रहा हूँ। अब ये आ गया रेड कलर में गुड्डा पीस। अच्छा, गुड्डा, इसकी आंखें बाहर निकली हुई है, थोड़ा मैं पकड़ के दिखाएं। हाँ, ये भी दिखा देता हूँ। ये दोस्तों देखें, ये खुदा की कुदरत देखें, ये देखें आंखें इसकी बाहर निकली हुई हैं। ये एक ब्राउन कलर में, ये देखें
कितना माशाल्लाह खूबसूरत है, कितना नायाब है, कितनी प्यारी प्यारी यहाँ पर नस्लें हैं। इसका कितने का है पेयर? ये 10,000 रुपए का पेयर। 10,000 का, और कितने नायाब है, कितने यूनिक है। ठीक है, इसको अंदर रखे हैं। और इन्होंने दो अंडे दिए हुए मेरे ख्याल में। अच्छा, ये यहाँ पर ये देखें, इनकी माता ने ये अंडे दिए। ठीक है, ये तो उड़ने वाले, ये नॉर्मल है, उड़ने वाले। ठीक है, ठीक है। ये एक ये देखो, ये मैगपाई कहलाता है, ये लो। अच्छा, ये मैगपाई, इसको ओपन करें। हाँ, ये येलो मैगपाई कहलाता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ये देखें, ये येलो मैगपाई भाई बता रहे हैं कि ये भी काफी खूबसूरत है। इसको मेल कह रहे हैं, आगे ब्राउन बाल निकाल के, पीछे व्हाइट, और नीचे जो पांव है वो भी सारे व्हाइट लगे हुए हैं। तो काफी माशाल्लाह, ये भी काफी खूबसूरत है। ठीक, इसके भी बना लेना। अच्छा, ये मुर्गा है, कौन सी नस्ल है? ये हीरा, हीरा, हीरा भाई के पास ये हीरा नस्ल के यहाँ पर ये मुर्गे भी हैं। ये भी काफी खूबसूरत है। ये कोई देसी टाइप तो मेरे ख्याल में मेरे जैसे लग रहे हैं। हीरा, हीरा। अच्छा, हीरा, ये सारे सफेद। ठीक है, ठीक है। इनके ये बच्चे भी हैं इनके। अच्छा, इनके बच्चे भी हैं। ये देख, तो ये भी आप सेल वगैरह करते हैं? ये भी। ये देखेंगे हीरा के बच्चे, हीरा के बच्चे, ये इनकी माता है। ठीक, और तकरीबन ये भी अंडों पे बैठी है, हीरे के अंडों पे, हीरे के अंडों पे बैठी है भी। अच्छा, ये कम से कम ये 15,000 रुपए का पेयर है। अच्छा, एक पेयर 15,000 रुपए का है। और ये हीरो हीरे की अंडे आपने इसको दिए हुए? इसको दिए, इसको दिए, इसको भी दिए, बच्चे निकल। तो हीरे की खुद की माता क्यों नहीं दिए हुए? नहीं, वो उसके ज्यादा अंडे लेने हैं ना। अच्छा, ज्यादा लेने हैं, वो देती जाए, बंद ना करे, जाएगी बेकार में फिर वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे ये चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये देखें, फिर हम थोड़ा सा सीढ़ियों से नीचे आए। यहाँ पर भी काफी खूबसूरत अच्छा शौक रखा हुआ है। ये हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये कौन सी नस्ल है? ये गुब्बारा, ये भी। अच्छा, ये गुब्बारे की नस्ल है। और इसमें कौन कौन सी नस्लें हैं यहाँ पर? वो सिल्वर मुखी है, मुखी है। ठीक है, और यहाँ इसकी साइड पे भाई ये लोकल है, ये लोकल है, और ये गुब्बारे हैं ये। अच्छा, ये इसका ये ऊपर कंधा ऊपर करके जैसे चल रहा है। ये दोस्तों देखें, ये देखें इसकी चाल देखें, ये आगे व्हाइट पीछे ब्राउन, और इसका कंधा ऊपर करके चल रहा है। इसका नाम आपने क्या बताया? लक्का, लक्का। ठीक है, क्या खिलाते हैं आप इनको वैसे? ये पड़वा दाना, मिक्स दाना है ये तकरीबन। अच्छा, ये मिक्स दाना, मिक्स है। ये ना, ये ना, अच्छा, ये इनको ये दाना देते हैं मिक्स, ये आप बनाते हैं या मिलता है? बना के लाते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें क्या क्या है? सब चीजें हैं इसके अंदर। ये 60 रुपए किलो पड़ता है। अच्छा, एक किलो 60 रुपए का पड़ता है। ठीक है, और काफी दोस्त जिस तरह लेना चाहते हैं, तो अब क्या इन बीमारी वगैरह को आप कैसे कंट्रोल करते हैं? काफी मरता परिंदों की बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती हैं। बनाते हैं इसके लिए। अच्छा, आप खुद ही इनके लिए दवाई वगैरह बनाते हैं? हाँ, दवाई बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये इनका इंटरनल सेटअप है। यहाँ पर हम आए, काफी खूबसूरत किस्म के यहाँ पर कबूतर के पास पड़े हुए हैं। जैसे कि आपने सामने देखा कि हीरा किस्म के ये मुर्गियां आपने देखी, काफी नायाब नायाब किस्म के बेशुमार किस्म की नस्लें पड़ी हुई हैं यहाँ पर। एक मतलब कि बड़ी तादाद में नहीं, लेकिन छोटी छोटी तादाद में नस्लें पड़ी हुई, ये भाई बेचते हैं। आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैंने इनका कॉन्टेक्ट दे दिया है। और काफी इनका माशाल्लाह शौक हमें पसंद आया, क्योंकि खूबसूरत और नायाब नस्लें इनके पास मौजूद हैं। तो भाई आप मतलब कि कराची वगैरह से आपसे कोई रابطہ करें तो इंशाल्लाह आप भेज देंगे उनको? बिल्कुल भेज देंगे, सब जानते हैं कराची वाले मुझे, खाली हैदराबाद के नाम से तकरीबन सब जानते हैं। अच्छा, आपको सब जानते हैं? खाली सब जानते हैं, फैंसी वाले शौकीन जो हैं कराची में जितने भी हैं सब जानते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला अभी तो आपको और ज्यादा लोग जान जाएंगे जब आपकी इंशाल्लाह ताला ये वीडियो जाएगी, तो आप रابطہ इनसे कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं एक छोटी छोटी शॉर्ट्स भी इंशाल्लाह ताला देता रहूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप तक हमारी नई आने वाली अपडेट्स पहुंचे रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।